होली पर आ गया है बच्चन पांडे और मैं अभी अभी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख कर आया हूं बच्चन पांडे का। भाई सिनेमा हॉल के बाहर रिव्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि होली है और मेरा ये जो येलो कुर्ता है इस पर बहुत सारे रंग लग जाते, उसी तरह से जैसे बच्चन पांडे में बहुत सारे रंग हैं। देखिए ये एक मास मसाला एंटरटेनर फिल्म है। फिल्म के ट्रेलर से ही पता चल रहा था कि भैया फिल्म क्या है। गैंगस्टर की कहानी है, बच्चन पांडे की कहानी। अनअपोलोजेटिक गैंगस्टर, मतलब कोई ऐसी कहानी नहीं है कि भैया बचपन में कुछ जातियां हुई थी तो गैंगस्टर बन गया, मारते थे, मारने में मजा आता था तो बस मारने लग गए। 2014 की तमिल फिल्म जिगर ठंडा का रीमेक है और वो साउथ फिल्म खुद भी 2006 में आई एक साउथ कोरियन फिल्म अ डर्टी कार्निवल का रीमेक थी। अब भैया फिल्म है कैसी? देखिए सबसे पहली बात तो कुछ लोग कहेंगे कि ये बॉलीवुड वाले रीमेक ही बनाते रहते हैं। चलिए भैया वो सब बातें हम बहुत कर चुके हैं, इस फिल्म की बात कर लेते हैं। हाँ भैया ठीक है रीमेक बनाते रहते हैं लेकिन ऐलान करके बनाते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि थिएटर में बुला लिया अक्षय कुमार को दिखाने और दिखा दिया शाहरुख खान को, ऐसा तो किया नहीं है। ट्रेलर में भी बच्चन पांडे गैंगस्टर बने दिख रहे थे। कृति सेनन डायरेक्टर हैं जो उन पर फिल्म बनाना चाहती हैं, अरशद वारसी कृति सेनन के दोस्त हैं जो मदद करते हैं। फिर ये पहुंचते हैं बच्चन पांडे की दुनिया में, बच्चन पांडे के राज जानने की कोशिश करते हैं और फिर क्या वो फिल्म बन पाती है नहीं बन पाती, फिल्म बनने के बाद क्या होता है, नहीं बनती तो क्यों नहीं बनती, इस सब के लिए आपको थिएटर जाना पड़ेगा। भैया काफी पैसे लगकर फिल्म बनाई है तो थिएटर में जाके देखिएगा, कहानी बता के मैं स्पॉइलर तो दूंगा नहीं आपको। देखिए फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत जबरदस्त है। अक्षय कुमार एज बच्चन पांडे स्क्रीन पर आग लगा देते हैं। आधा काम तो अक्षय अपने लुक से कर देते हैं, मतलब अक्षय को जब आप उस लुक में देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। फर्स्ट हाफ में अक्षय का बिल्कुल गैंगस्टर वाला जो अवतार है एज बच्चन पांडे वो दिखाया गया है और मजा आ जाता है। सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, अक्षय की जैकलीन के साथ लव स्टोरी होती है, थोड़ा सा सेकेंड हाफ ढीला लगता है लेकिन जब अक्षय कुमार एज बच्चन पांडे स्क्रीन पर आते हैं तो बस आप उन्हें ही देखते हैं। जो उन्होंने डिक्शन पकड़ा है वो बड़ा कमाल का है, जो उनका पूरा का पूरा अटायर है, पूरा का पूरा लुक है वो कमाल का है। फिल्म में अक्षय कुमार छाए हुए हैं। हाँ जैकलीन फर्नांडिस के साथ अक्षय कुमार की लव स्टोरी वाला एंगल मुझे थोड़ा सा ढीला लगा लेकिन शायद स्क्रिप्ट की डिमांड थी तो इसलिए डायरेक्टर ने डाला। देखिए कृति सेनन डायरेक्टर के किरदार के साथ पूरा इंसाफ करती हैं, उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की और भाई अरशद वारसी के लिए क्या ही कहना, अरशद वारसी कमाल के एक्टर हैं और इस फिल्म में भी अरशद वारसी ने बता दिया है कि भैया वो किसी भी रोल को बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। जितने भी बच्चन पांडे के साथी गैंगस्टर हैं, अभिमन्यु सिंह हो, संजय मिश्रा हो, सबने कमाल की एक्टिंग की है। हाँ जैकलीन फर्नांडिस का काम मुझे कुछ खास लगा नहीं क्योंकि उनके पास करने को कुछ खास था नहीं लेकिन खूबसूरत वो बहुत लगी हैं। फरहाद सामजी ने फिल्म डायरेक्ट भी की है और डायलॉग्स भी लिखे हैं और बहुत मजेदार डायलॉग्स हैं, बहुत जगह आपको हंसी आती है। देखिए फरहाद सामजी पहले भी अक्षय कुमार के साथ एंटरटेनमेंट हाउसफुल 3 हाउसफुल 4 बना चुके हैं लेकिन इस बार उन्होंने अक्षय कुमार को जिस अंदाज में पेश किया है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है और यही अंदाज इस फिल्म की जान है। अक्षय कुमार इस फिल्म की जान है। देखिए ये एक कमर्शियल मसाला एंटरटेनर फिल्म है, ये कोई रियलिस्टिक फिल्म नहीं है तो उस तरह की उम्मीद आप इस फिल्म से मत कीजिएगा। ये उसी तरह की फिल्म है कि भैया दिमाग घर पे रख के चले जाओ, सिर्फ एंटरटेन होने के लिए जाना है। जी हाँ ये कोई बहुत महान फिल्म नहीं है और ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत से लोग काम करते हैं। एक बार सलीम खान साहब ने कहा भी था सलमान खान की फिल्म के लिए कि भाई ये कमर्शियल फिल्में होती हैं, इनसे बहुत लोगों की रोजी रोटी भी चलती है, तो ये उसी तरह की फिल्म है। अक्षय कुमार के फैंस को तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, अब ये भी बता देता हूं कि आम लोगों को भी पसंद आएगी, नहीं तो लोग कहेंगे अच्छा सिर्फ अक्षय कुमार के फैंस के लिए ही है, बाकी लोग नहीं देख सकते। नहीं भाई बिल्कुल ठीक टाइम पे आई है, होली है, होली का वीकेंड है और ऐसे में फैमिली के साथ जाके इस फिल्म को आराम से देखा जा सकता है। कोई बहुत ज्यादा इसमें वैसा वाला खून खराबा भी नहीं है कि आपको घिन आ जाएगी, आप देख नहीं पाएंगे। एक कॉमेडी टच के साथ फिल्म आगे बढ़ती है, एंटरटेन करती हुई आगे बढ़ती है और करीब 2.5 घंटे की फिल्म है, ना बहुत ज्यादा लंबी है ना बहुत ज्यादा छोटी है। फर्स्ट हाफ जहां अक्षय बच्चन पांडे बनते हैं पूरी तरह से गैंगस्टर के किरदार में होते हैं,
वो फिल्म की जान है। मुझे फर्स्ट हाफ ज्यादा अच्छा लगा, सेकेंड हाफ में थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, सेकेंड हाफ ठीक ठाक है और ओवरऑल एक अच्छी फिल्म। अक्षय कुमार के फैन हैं तो जरूर देखिए। एक मसाला एंटरटेनर फिल्म देखना चाहते हैं तो भी जरूर देखिए बच्चन पांडे। एक बात और, फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे हैं। जब बेवफा गाना आता है या मार खाएगा गाना आता है तो अक्षय कुमार का लुक और ये गाने फिल्म के मूड के हिसाब से बहुत अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं थिएटर से बाहर आकर आप इनको गुनगुनाते भी हैं। तो भाई इस होली देख लीजिए अक्षय कुमार की बच्चन पांडे।